सांझा टीवी देख रहे सारे ही परिवारों नूं बलजिंदर कौर वालों प्यार भरी सत श्री अकाल ते जी आयां नूं तुहानूं सांझी गलबात सवाल तुहाडे जवाब साडे हर शुक्रवार शो हुंदा 4 बजे तों लै के 5 बजे तक जिस दे विच असीं वख वख मेहमान नूं लै के तुहाडे रूबरू हुंदे रहिंदे आ ते तुसीं अपने सवाल उहनां नूं करदे रहिंदे हो बेशक कोई इंश्योरेंस नूं रिलेटड होण जां कोई भी बिजनेस होवे पर एक खास शख्सियत जदों साडे नाल आउंदे आ ते तुसीं सारे बहुत सारे सवाल भी पुछदे हो मेरे तक भी तुसी बहुत सारे सवाल पहुँचते करते हो सो सारयां दा ही दिलों धन्यवाद साडे सारे ही स्पॉन्सर का धन्यवाद तुसी साडे सांझा टीवी दे नाल डे वन तो जुड़े हुए हो ते जिहड़े नवें स्पॉन्सर भी आ रहे हैं तुहानूं भी जी आयां नूं सो अज साडी सांझी गलबात दे मेहमान ने तुसी इन्हां नूं जाणदे हो किसी जानकारी दे मुहताज नहीं तुहाडे सारयां दे हरमन प्यारे डॉक्टर मुर्तजा जी अज साडे स्टूडियो च आए हुए ने इन्हां दे नाल गलबात होवेगी स्क्रीन ते नंबर आ रहे हैं तुसी इन्हां नंबरां ते फोन करके अपना सेहत दे संबंधी कोई भी सवाल होवे तुसी ओह वी कर सकदे हो ते जां तुसी मैनूं इंस्टाग्राम ते बलजिंदर अंडरस्कोर कौर 2015 ते भेज सकदे हो मैं भी ओह पुछ सकदी हां तुहाडे लई पर जे तुसी फोन दे राही भी अपना सवाल पुछणा ते तुसी साडे 1-800 ते लोकल नंबर ते फोन कर सकदे हो आओ इन्हां नूं जी आए कहिंदे डॉक्टर साहब जी नूं सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी सलाम वालेकुम थैंक यू सत श्री अकाल जी की हाल है जी तुहाडा बिल्कुल ठीक बलजिंदर थैंक यू फॉर योर टाइम तो बहुत सारे थोड़े सवाल जवाब साढ़े तक पहले पहुँच जाते हैं और ढेर सारिया दुआवं जो आई पहले अपनी कबूल करो पहले तो मैं सारे का शुक्रिया अदा करा जिन्होंने दुआ भेजिया जी उन्होंने बहुत बहुत थैंक यू और दुआव इस तरह ही भेजते रहो सू दुआव के सिर पर ही टुरे फिरते जी तो डॉक्टर साहब हूँ असं गल करते हैं सवाल बहुत सारे लोगों के आते हैं क्योंकि हूँ वैदर चेंज हो रहा सर्दी तो बाद थोड़ी थोड़ी ठंड हो जाती है फिर कई बार ज़्यादा हो जाती है कई बार एकदम गर्मी हो जाती है वैदर रिलेटड बड़े आए साइनस के बड़े आए पिछली बार असी गलबात की सीजनल फ्लू लोगों बड़ा आया तो कहते पता नहीं लगता कोविड है या फ्लू आ सो बड़े आए ये मैं एक एक करके पूछांगी पर पहला जिहड़ा एक खास भैन वालों आया ब्यूटी से वह कहते भी ब्यूटी नूं बरकरार रखा तो सोचना मैं सवाल कर दी हसदी क्यों हाँ क्योंकि बीबिया का फिर हम ब्यूटी के नाल ही रिलेटड होंगे ना तो वह कहें भी ब्यूटी नूं बरकरार रखण दे लई घरेलू नुस्खे भी पुछ के दसो दवाई भी दसो चेहरा किवें फुलांग 24 घंटे खिड़िया रहे ये बारे जरूर पहला पुछो ये बहुत ज्यादा का सवाल सी बीबिया का भैणा का ता ही मैं पहला पुछया ये ना आप एक पूरा प्रोग्राम भी किया हुआ बलजिंदर ब्यूटी होंगी की है मैं उदो भी यही कहा हूँ भी यही कहना कि ब्यूटी अंदर होंगी है मूँह तो नहीं होंगी ब्यूटी अंदरों बाहर आती है ब्यूटी फीचर ऑफ ऑबजैक्ट्स दैट गिवस प्लेयर वो ऑबजैक्ट्स वो चीज़ा वो लैंडस्केप भी हो सकती है कोई भी चीज़ा या चीज़ा का एक सम जिहड़ा तुहानू खुशी दवे जिहड़ा तुहानू प्लेजर दवे वो ब्यूटी है हुण इह ते हो सकती है कोई सीनरी भी हो सकती है कोई दरख्त भी हो सकता है कोई पहाड़ भी हो सकता है समंदर भी हो सकता है सी भी हो सकता है कोई मुल्क भी खूबसूरत हो सकता है कोई बाहर इधर उधर बिल्डिंगा भी खूबसूरत हो सकती हैं वो ऑबजैक्ट्स वो सम ऑफ ऑबजैक्ट्स जिहड़े तुहानू खुशी देन वो ब्यूटी कहलांदे हैं फिर एक ब्यूटी होर भी होंदी है जिहड़ी कॉन्फिडेंस अपने आप ते होना जदों तुसी सैल्फ कॉन्फिडेंस नूं ज़्यादा इनहांस कर दे हो अपने आप ते बिलीफ होना और अपने आप ते कॉन्फिडेंस होना ये भी एक किस्म की ब्यूटी नूं जनरेट करता है जदों तुहानूं अपने आप ते कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना और एक हद तो बढ़ना तो गलत है जदों बिलीफ बढ़ता है अपने आप ते तो अपन खूबिया तो बिलीफ बढ़ता अपन जड़ियाँ अंदर क्वालिटीज़ है वो बिलीफ बढ़ता तो डेफिनेटली कम्मा च ब्यूटी आती है जो थोड़े कम्मा च ब्यूटी आती है फिर तुम उन्होंने परफेक्ट कर दो अपने कम्मों होर कॉन्फिडेंस बढ़ता और जिमें जिमें तुम उन्होंने परफेक्ट करते जाते हो उवें उवें थोड़े कम्मा च ब्यूटी आती जाती जिमें जिमें थोड़े कम्मा च ब्यूटी आती जाती है उवें उवें तुहानू देखण वाले लोग तुहानू ब्यूटीफुल समझना शुरू हो जाते हैं ये टाइम ते आंदा है ये अच्छे तरीके नाल बोलदा है ये अच्छी गल करदा ये अच्छी एडवाइस दिंदा ये लोगों के भले करदा ये लोगों के काम करदा वगैरह 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 सो ऑन ये है इंटरनल ब्यूटी हुण एक ब्यूटी तीसरी ब्यूटी है जिहड़ी अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर तुहानू पता है फेमस सेइंग है जी जदों तुसी अपने मेडिकल सिस्टम नूं खूबसूरत रखते हो
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਔਰਗਨਸ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੇਸ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਲਾਜਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਔਰਗਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਫੇਸ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕੋਲਾਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸੋਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਵੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਪੂਰਾ, ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਰੈਡਨੈਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਡਿਸ਼ਪਨ ਆਉਂਦਾ, ਯੈਲੋਇਸ਼ਪਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਲਾਪਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਖਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਵਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਮਕ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਕਿੰਨ ਗਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਕਿੰਨ ਗਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ, ਬਾਲ, ਸਕਿੰਨ ਇਹ ਗਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਫੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੁੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਡੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਖਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੂਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਉਹਦੇ ਥੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨੂਰ ਹੈ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਸ 'ਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ, ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਬਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਖਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰੂਹ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਰੂਹ ਸੋਫਟ ਹੋਏਗੀ, ਓਨਾ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਖਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਰੂਹ 'ਤੇ 12 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗਰ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਬਾਈਪੋਲਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਭੇਜੀਏ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਦਵਾਈ ਉਹ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਬਿਊਟੀ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋ ਸਮਝ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਨੀਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਿਊਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਸੂਥ ਯੂਅਰ ਸਟਮਕ ਐਂਡ ਸੂਥ ਯੂਅਰ ਸਕਿੰਨ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਮਕ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੂਤ ਰੱਖੋ। ਸੂਤ ਰੱਖੋ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ, ਨੋਰਮਲ ਰੱਖੋ, ਆਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਰੱਖੋ, ਨੋਰਮਲ ਰੱਖੋ। ਜਿਹਦੇ ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਫੇਸ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਸੂਤ ਰੱਖੋ, ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਰੱਖੋ, ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਖਾਓ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੌਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੈਸ ਨਾ ਬਣੇ, ਐਸਿਡ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਮਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਮਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਆਏਗਾ। ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗਤ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਤ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਇਨਟੇਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ। 3 ਤੋਂ 3.5 ਲੀਟਰ ਵਾਟਰ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਦਫ਼ਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਪੀਣਾ, 3.5 ਲੀਟਰ ਪੀਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਊਟੀ ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫੇਸ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਬਗੈਰ ਸਨਸਕਰੀਨ ਲਾਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਨਸਕਰੀਨ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੀ ਸਨਸਕਰੀਨ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸਨਸਕਰੀਨ ਲਾਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਸਮਟਾਈਮ ਹੇਅਰ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਦਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਨਸਕਰੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖੋ, ਬਾਹਰ ਸਨਸਕਰੀਨ ਲਾ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬਗੈਰ ਸਨਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟ 100 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਨੋਰਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼ ਆ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਹੱਥ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਹੈ, ਕੰਨ ਹੈ, ਫੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਨਸਕਰੀਨ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਲਾਈਟ ਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਸਨਸਕਰੀਨ ਵੀ ਉਹ ਲਵੋ ਜਿਹੜੀ 60-65+ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਰੱਬ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਬਸ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਨਸਕਰੀਨ ਲਗਾਏ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੌਂਚ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਇਹਦੀ ਹੈ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਲੀਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 6 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਦਿਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 1/2 ਘੰਟਾ ਪਾਵਰ ਨੈਪ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੇ ਨੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ 1/2 ਘੰਟਾ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਝਪਕੀ ਜਿਹੀ ਲਾ ਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਨੀਂਦ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। 1/2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਅੱਜ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਟੱਚ ਵੁੱਡ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਮ ਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਹੁਣ ਸੌਂ ਜਾ ਪਾਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਝੱਟ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰ ਨੈਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ,
ਪਾਵਰ ਨੈਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਨੈਪ 10-10 5-5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਜਾਗ ਲੈਂਦੀ ਆ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀਕ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਹੋਵਾਂ ਵੈਸੇ ਨੀਂਦ ਆਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਕੇ ਪਾਸ ਰਹੇ ਪਾਸ ਬਾਨੇ ਅਕਲ ਲੇਕਿਨ ਕਭੀ ਕਭੀ ਇਸੇ ਤਨਹਾ ਵੀ ਛੋੜ ਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਨਰ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸੂਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀਰਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੰਨੀ ਆ ਸਾਂਵਲੀ ਆ ਇਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਫੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਾਰਲਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਸਨਬਰਨ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਟੋ ਦੇਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਲੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਟੈਟੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੋਟੈਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੋਟੈਟੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਮੇ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਝੇ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ ਪੀਸਿਸ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਮੋਟੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੀਸ ਕਰ ਲਓ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਿਰਰ ਵੀ ਤੇ ਗਲਾਸ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵਿੰਡੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਪ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਪੋਟੈਟੋ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਪੋਟੈਟੋ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫੇਸ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਟੈਟੋ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਓਇਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਟੋ ਨਾਲ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਇੰਜ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਰਬ ਕਰਕੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਲਾ ਕੇ ਸੋਣਾ ਸੀ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਸੋਣਾ ਅਤੇ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਧੋਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਦਿਨ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਛੋਟਾ ਪੋਟੈਟੋ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਜਾਇਆ ਕਰਨ 15 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਲੇਟ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਪੋਟੈਟੋ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲੋਕ ਖੀਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਰੀ ਚ ਆਲੂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਹਟ ਗਏ ਭੈਣਾ ਸਾਰੇ ਆਲੂ ਲੈ ਆਈਆਂ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਅਦ ਪੜੂਗੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜੇ ਅੱਧਾ ਹਾਏ ਰੱਬ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਟੌਪਿਕ ਹੱਸਣ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੱਸਣਾ ਵੈਸੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 30-40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਦਵਾਈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਤਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਆ 30-40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯੂਜਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦਵਾਈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਯੂਜਲੀ ਵੀ 30-40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ 30-40 ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਦਵਾਈ 30-40 ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋ ਨਾ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘਟਾ ਦਿਓ ਵੀ 29 ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ
क्योंकि अद्धा घंटा तुहानू मेरे नाल बैठिया नू हो गया। वो फिर मैंने कहना डॉक्टर साहब टीवी से तो तुम बहुत हसते हो तो मेरे नाल तो नहीं हस रहे। मैं क्या यार तू गल गुस्से वाली कर रहा, हले तो मैं गुस्सा आया नहीं, लेकिन तू तो चार बार एक गल पूछी और मैं लगता जान के पूछ रहा है सवेरे उठ के मुंह धो लो, फिर लाना है ता ला लो, नहीं ता एक वारी भी बहुत है ना, एक वारी इनू आदत बना लो, रोज आलू रोज आदत बना लो। फिर एक होर चीज़ आ, हनी असली लभ जे अगर छोटी मक्खी का हनी, असली हनी लैके उन्हों उदे च पांच चार ड्रॉप बलाई जिन्हों आपां मलाई कहने, मलाई दे पाके और पांच चार ड्रॉप ही हनी दे पाके, ते इन्ना कैवें एलोवेरा का गुद्दा, एलोवेरा का जैल उन्हों मिक्स कर लो और उन्हों हल्का हल्का मुँह ते मसाज कर लो और छड़ दो 10-15 मिनट, तो फिर बोलना नहीं, वो तुहाडा बहुत अच्छा मास्क है। अगर ये सो मलाई हनी ते एलोवेरा, एलोवेरा अगर ये तुसीं एलोवेरा नहीं पाते तो फिर ये मास्क नहीं, फिर ये दूसरा मास्क मैं तुहानू दसदा, मलाई हनी ते टर्मेरिक। अगर ते एलोवेरा पा लो तो ये मास्क बन जाएगा, थोड़ी देर झुड़ियाँ का भी इलाज हो जाएगा नाल, तो जे ये तुसी टर्मेरिक पा लो तो ये ब्लैक हैड्स कट देगा, पोर्स तुहाडे साफ कर देगा, जिन्ना च मिट्टी सारा दिन आपां पाने आ, कैमिकल्स भी पाने आ, हर चीज़ बेचारे इन्हां ते पैंदी, क्रीमां दे कैमिकल्स सारा कुछ इन्हां पोर्स दे विच जा रहा, वाइट हैड्स ब्लैक हैड्स की होंदे ने यही है ना, वो तुहाडे जदों टर्मेरिक विच एक चुटकी पाओगे ना तो वो तुहाडे फेस नूं ग्लो भी करेगी और पोर्स नूं साफ भी कर देगी। और तुसी जदों इनू कंटीन्यूअसली यूज़ करोगे, मतलब 2-3 दिन बाद एक बार यूज़ कर लिया तो जिंदगी की आदत बना लो, हफ्ते च 2-3 बार यूज़ करन दी, ते तुहाडे पोर्स ऑटोमैटिकली खुले होना शुरू हो जाएंगे। जदों पोर्स वॉश आउट हो जाएंगे, ये पोर्स की डिटॉक्सीफिकेशन है, हल्दी बॉडी नू अंदरों भी डिटॉक्सीफाई करती है, तो जे तुसी फेस ते ला लो, रात नू आलू यूज़ करो और हफ्ते च 2 ए वाला मास्क बना के यूज़ कर लो और हफ्ते च 1 वो एलोवेरा का गुद्दा भी पा लो, ऐड कर लो, तो ब्यूटी का बहुत वड्डी एक दवाई बन गई ब्यूटी की। इन्हीं महंगी महंगी क्रीमा लैन तो बैटर है कि यह सौखा घर का फार्मूला यूज कर लो। फिर इस तो बाद एक होर चीज़ है कि तुसी होम्योपैथिक की एक दवाई है जिहदा नाम है एकीनेशिया। एकीनेशिया अगर तुसी कॉटन लवो उन्होंने इंज पानी हल्का जहा डिप करो, एकीनेशिया जस्ट 2-3 ड्रॉप वो पाओ, 2-3 ड्रॉप एकीनेशिया मदर टिंक्चर, एक इग्नेशिया होम्योपैथिक की दवाई, वो नहीं मैं कह रहा, एकीनेशिया ECH तो एकीनेशिया मदर टिंक्चर के 2-3 ड्रॉप्स उस कॉटन गिला करके वो पा के उन्होंने हल्का हल्का फेस से रब करो। किन्ने तुसी क्लिनजर लियांदे हो महंगे तो महंगे, इस तो अच्छा क्लिनजर तुसी जिंदगी च नहीं देखा होना, जिन्ना मर्जी महंगा क्लिनजर लियाओ इस तो अच्छा क्लिनजर तुसी जिंदगी च नहीं देखा होना, इन्ना अच्छा रिजल्ट इहदा। इहनू होर अगर स्ट्रोंग करना ते इहदे च एक होर दवाई दे 2 ड्रॉप्स पा लो, या इन्हां दोवां नूं इकट्ठियां कर लो, उहदा नाम है हाइड्रोकटाइल, वह भी मदर टिंक्चर है, एकीनेशिया एंड हाइड्रोकटाइल। मेरा ख्याल है तुहाडा मैं सवाल बड़ा ही डीपली जाके जवाब दे रहा जी। बिल्कुल जी, ओदे 2-3 ड्रॉप इन्हां दोवां नूं इकट्ठिया करके फिर 2-3-4 ड्रॉप पा के उन्हां नूं रात नूं सौण लगियां क्लीनस करके फिर आलू लाने की जरूरत नहीं, ये बहुत वड्डा क्लीनजर है, क्लीनस करके फेस ये ड्राई भी कर देगा, जिहड़ा ऑयली स्किन वाले उन्हां लई भी बड़ा फायदा। इहनूं तुसीं सौं जाओ, तुहाडा फेस क्लीन हो गया, सारे दिन के ब्लैक हैड्स निकल गए, सारे दिन के वाइट हैड साफ हो गए, सारे दिन की डस्ट निकल गई इहदे चों। अगली चीज़ पर आ जाओ, अगर तुहानू इंटरनली प्रॉब्लम है डायजेस्टिव सिस्टम का, तो फिर तुसी एक डायजेस्टिव सिस्टम की दवाई है R5, डॉक्टर रैकवैक के नाम तो R का नंबर है और 5 उहदा नंबर है, R का नाम है R5, उहदे तुसी 10-15 ड्रॉप्स R5 दे वह तुसी रोज़ सुबह दोपहर शाम ले लिया करो, तुहाडा डायजेस्टिव सिस्टम अंदरों सूथ होना शुरू हो जाएगा। जो तो अंदरों डायजेस्टिव सिस्टम ठीक होएगा
वो डेफिनेटली तो फेस पर आएगा। नाल वाइटामिन सी की कोई गोली खाओ, नाल वाइटामिन ई का कैप्सूल खाओ, और नाल तुसी पानी पूरा करो, और नाल अपनी रूह को खुश करो। जब जिदी असी अगे गल की तो तुसी देखो तो लोग पूछना शुरू कर देंगे कि हाँ जी तुसी कितों आए हो। जे अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम नाल तुसी गौर करते हो कि तुहाडा लिवर फैटी है या तो एसिडिटी होंगी है कभी कभी, तो लिवर की वजह तो होंगी है, तो ये ही R5 च ही एक होर दवाई ऐड कर लो जिहदा नंबर है R7। R5 और R7 दोनों कलैक्ट कर लो और उन्होंने एक ही बोटल च पा के तुसी फिर भी 10 to 15 drops ही लेने, 10 to 15 drops दिन च 3 बारी वो ही खाना खा के खाने तो 10-15 मिनट बाद तुसी ले लो, या खाने तो 10-15-20 मिनट पहले इन्ने पानी च पा के 10 to 15 drops ये लेने शुरू कर दो। ये नाल तुहाडा लिवर भी ठीक कर देगी अगर लिवर की वजह तो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो रहा या खराब हो रहा। अगर तुहानू किडनी का कोई इशू आ रहा तो सुबह के टाइम पर बैरस 1 mg की एक डोज ले लिया करो, जस्ट 5 drops। किडनी की वजह तो भी ब्यूटी खराब होंगी, तुम पता किडनी की वजह तो ना सिर्फ बाहरली ब्यूटी खराब होंगी, अंदर वाली ब्यूटी भी खराब होंगी, हड्डियाँ कमजोर होंदिया ने, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होंगे, और कई दफ़ा किडनी वीक हो जाए तो मसूड़े फुलना शुरू हो जाते हैं, थोड़ी अखा नीचों सुजना शुरू हो जाए, सुबह जो उठते हो तुम सुजिया होंगे, थोड़े एंकल्स सुजे होंगे ने, पैरों के टखने जिन्हों आप कहने, थोड़े एड़िया च अड्डिया च दर्द होना शुरू हो जाता है, थोड़े गोडे स्वैल करते हैं, थोड़िया कई दफ़ा बाहवा स्वैल कर जाने ने, सोच पई होंगी है जिन्हों लोगों दावों से सोच पे या गोडिया से सोच पे या जिसम के किसी भी हिस्से से सोच पे, सब तो पहले अपने किडनी का GFR टेस्ट करा, वो सब तो ज़्यादा जरूरी है, बाकी चीज़ा उस तो बाद चैक कर। अगर GFR उन्होंने 90 to 100 तो थले है फौरन बरबैरस 1 mg लेनी शुरू कर दें, किडनी डिटॉक्सीफाई कर, हल्दी पीना शुरू कर दें, R5 R7 लेनी शुरू कर दें, तो ये उन्होंने इंटरनल ब्यूटी को फायदा देगी। फिर जड़िया अपन लाने वास्ते दवाइया दसियाँ उ दवाइया हाइड्रोकटाइल और एक्नेशिया मिक्स करके तुम वो 10 to 15 drops दिन च 3 बारी पी भी सकते हो, वो अंदरों तो ब्यूटी देनगियाँ और बहर आएगी नज़रों। जिन्हें लोगों के छाइया पई हुई ना डार्क सर्कल्स पे भी अच्छ दवाई सुन लो, सब कुछ वंडी जाओ, वंड दे सारा जड़ा ना नॉलेज हो छड़ के जाना, इतने नाल लैके कुछ नहीं जाना। क्या बात है। हाइड्रोकटाइल एक्नेशिया ये तो दो होनगियाँ पार्ट, एक दवाई होंगी है बरबैरस एक्वाफोलियम, एक अगर असी बरबैरस होर दसी और डिफरेंट बरबैरस है, ये एक्वाफोलियम बरबैरस है, हाइड्रोकटाइल एक्नेशिया बरबैरस एक्वाफोलियम, ये तीनों तुसी मदर टिंक्चर च लै लेने ने। अगर तुहानू कोई पोर्स का मसला है, तुहाडे पोर्स खराब ने, कि स्किन जल रही है तुहाडी, तो सुराइनम एक मेडिसन है, सुराइनम 3-0 वो भी ये पा लो। अगर तुहानू फील हो रहा है कि तुहाडी स्किन ते डॉट्स बन रहे हैं या एक्जिमा भी नाल है, थोड़ा थोड़ा खारिश होंदी है कभी कभी, तो ये सारसप्रेला एक दवाई है वह ऐड कर लो, ये सारिया कट्ठिया करके ते इन्हां दे फिर 10 to 15 drops ही दिन च 3 बारी लैने शुरू कर दो। जब तुम ये 10 to 15 drops 3 बारी लोगे, एक बोतल पूरी नहीं होएगी, तुहाडियां छाइयां लाइट होनिया शुरू हो जाएगियाँ, अगर ब्लैकिश ने तो ब्राउनिश हो जाएगियाँ, अगर ब्राउनिश है तो लाइट ब्राउनिश हो जाएगियाँ। दूसरी बोतल पियोगे नाल बाकी सारे काम भी करो, जेडे मैं कहे वाइटामिन सी वाला, वाइटामिन ई वाला, कोलाजन वाला, पानी पूरा करन वाला, खुश रहन वाला, आलूआं वाला, ते मास्क बनाने वाला, वो सारे काम भी करो, ते तुसी देखो सारे इत्थे सोने तो सोने होने जाए, ब्यूटी पेजेंट फटाफट जावणगे जे सारे। अच्छा डॉक्टर साहब एक होर आया सवाल है, जिदा असी ब्यूटी दी गल कीती है, तुसी दस्या कि आलू लाउणा चाहीदा चेहरे ते, जां जिदा तुसी मलाई हनी ते हल्दी भी दस्या, एलोवेरा भी दस्या, दो तरह दा दस्या हैगा, वो कहिंदे कि मेरे मूँह दे उत्ते ते मेरे नैक दे आले दुआले, गले दे आले दुआले मेरे जिहड़ी आ छोटिया छोटिया फिंसनिया हो जाए, पिंपल्स हो जाते छोटे छोटे, तो फिर वो मोका टाइप बन जाते, फिर वो पक्के हो जाते, सॉलिड थोड़े उत्ते वध जाते हैं, तो कहिंदे मैं कई बार लेज़र दे नाल इन्हां नूं कढ़ाया पर वो फिर वापस आ जाते हैं, इहदा की कारण है? इहदा कारण यह है कि तुहानूं डिटॉक्सीफाई होने वाली है बॉडी तुहाडी अंदर, तुसी नंबर एक तो यही जो मैं फार्मूला दस्सिया एक्नेशिया हाइड्रोकटाइल ते बरबैरस,
एक्ोफोलियम ये यूज़ करो और एक बरबेरस वलगैरस जी दूसरी दवाई है और सुबह वो एक डोज यूज़ करो रोज़ाना, एक तो ये काम करो। दूसरा एक थ्यूजा 1 mg एक दवाई है, थ्यूजा THUJA 1 mg, वो 3 drops सुबह सुबह एक बार रोज़ ले लिया करो, वो इन्हों वैसे ही गिरा देगी। मेरा ख्याल इन्हें हफ्ता तक लेनी पेगी या शायद 3-4 दिन ये गिरना शुरू हो जाएंगे। और अगर फिर भी ना हटन तो तुम अपनी फूड इनटेक पर गौर करो, जी अंदर कोई चीज़ आप खाने हैं ना वो बाई है, बहुत ज़्यादा बाई वादी है, उन्हों सैट करो उन्हों। जिमें तुम गोभी बहुत ज़्यादा खाते हो गए या दाल ऐसा ज़्यादा खाते हो गए जड़ियाँ बाई है बै कर दी जड़ियाँ, या तुम बीफ खाते हो गए, या तुम पालक साग चने बहुत खाते हो गए वाई डाले वो बंद करो चीज़ा, चाह बहुत ज़्यादा पीते हो गए। तुम बॉडी को डिटॉक्सीफाई पहले करो, नंबर एक तो गल। दूसरा जी थूजा दसी है वो इन्हों वैसे ही गिरा देगी। तीसरा जी मैं एक्निशिया हाइड्रोकटाइल और बरबेरस एक्ोफोलियम दसी है वो तुहाडे खून को साफ कर देगी अंदरों, जब ब्लड साफ हो गया तो ये फिंसियाँ हट जाएगियाँ। अगर फिर भी ना हटन तो यदि एक दवाई है आर्सेनिकम अल्बम 200, 3 drops रोज़ एक बार दोपहर में ले लिया करन, आर्सेनिकम अल्बम थोड़ा अरसा लैन बस एक क्लीयर होना शुरू हो जाएगी स्किन। अगर फिर भी ना हटन 1% चांस है तो फिर वह इलाज यह है कि तुम अपने सारे टेस्ट कराओ, मैं डाउट है थोड़े किडनी तो लिवर प्रॉब्लम जी। तो हूँ अगला सवाल हैगा या लेजर के बारे, वो कहें कि ब्यूटी यह तो हो गया कि जेडे आप प्रोडक्ट है, वह कहें कि मैं अपने फेस के उत्ते कदे कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया, मैं सिंपल कोकोनट ऑयल लाँदी हाँ, कोई मेकअप यूज़ नहीं करती। डॉक्टर साहब ये सवाल इस तरह ही है, पर पहला सा कॉलर है जी। अनु जी थानू सांझा टीवी ते सत श्री अकाल जी। हाँ जी सत श्री अकाल जी। हाँ जी सत श्री अकाल जी। विच ना शब्द विच चलना शुरू हो जांदा, दूजा चैनल आ जांदा, फिर समझ नहीं आती तुसी जो गल बात कर रहे हो। तुसी सांझा टीवी ही देख रहे हो? हाँ जी सांझा टीवी। हाँ जी डॉक्टर साहब ना प्रोग्राम चल रहा साडा, ते विच की हो जांदा तुसी कहने? विच कोई गुरबाणी दा पाठ चलना शुरू हो जांदा, कोई जिवे मिक्स नहीं हुंदा चैनल। अच्छा जी, तुसी टेलस ते देखदे हो जां आईपीटीवी ते देखदे हो? आईपीटीवी ते जेड़ा हैगा ओ देखदे। तुसी अगे नहीं कदी होया? असी तुसी एक कारी प्लग ओदा कढ के दोबारा प्लग ला के देख लो जी। अच्छा चलो मैं ओ एक सवाल पूछना डॉक्टर साहब तो। हां जी। मेरे मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम ना जिवे पेट दे विच बड़ा सख्त और दर्द जा होता हैगा ते जलन वगैरह भी सी पेट बड़ा जिवे कोई हार्ड ते दर्द भी है ते मैं एंडोस्कोपी मेरी हुई है बाकी उम्र दवाई दसन लगा या तो तुसी ओ दवाई नाल रख लो या इनु सारी उम्र बर्दाश्त करना। हाँ जी नहीं डॉक्टर वाली बहुत मेहरबानी, मैं इतनी तंग हैगी ना, मेरे जिवें कुछ भी खांदी इतना भार आ जा हो जाता है। हाँ जी तुहानु दवाई दस दें, तुसी कागज पेंसिल लेके लिख लो ते तुहानु दवाई लिखांगे। लिख दी। हाँ जी R5 और R7 होनी असी दस के हटे हैं। हाँ जी दस अभी चो शब्द आ गए सी। हाँ दस R5 R7 और ओदे विच तुसी दो दवाइयां होर ऐड करनी है। कार्डियस मदर टिंचर CARDIUS CARDIUS मदर टिंचर MT लिख लो। अच्छा जी। दूसरी ओदे च दवाई ऐड करनी कोलेस्ट्रिनम, जिवें कोलेस्ट्रॉल लिखी दा पाए इवें कोलेस्ट्रिनम। अच्छा ए हैगी है 3X, ए भी ओदे विच ही ऐड कर लेनी है। ठीक है जी। इन्हां चारां दवाइयां नूं ऐड करके 10 तों 20 ड्रॉप्स तुसीं रोज लिया करो, दिन च 3 वारी। फिर भी 10 to 20 drops ही लेने, दिन च 3 वारी ले लिया करो तो किडनी कुडनी लिवर लुवर सारे ठीक रहेंगे। लेकिन गॉल ब्लैडर का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, अल्लाह ताला ने अगर लाया तो उन्हें किसी काम लिए लाया सी। जे अगर वो एडा ही यूजलैस हों कि असं जो चाहिए कढ दिए तो वह लाँदा ही क्यों, उन्हें कोई चीज़ यूजलैस लाई नहीं। गॉल ब्लैडर तो साढ़ा एक
पूरा शो है मेरे यूट्यूब चैनल पर पिया होना तुसी लिखोगे गॉल ब्लैडर से आ जाएगा ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਲਾਰਜ ਹਾਈਟਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਰਜ ਹਾਈਟਸ ਜੀ ਕਾਦਾ ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਣਗੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੀ ਹੋਇਆ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਨ ਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹ ਫੇਰ ਆਣਗੀਆਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਹਰਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਆਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੀ थैंक यू जी थोड़ा तुसी दवाइयां लिख लिया बहुत मेहरबानी फोन करने के लिए ते तुसी करी टीवी दा प्लग कड के ला लो जी जी आनु थानू सांझा टीवी ते सत श्री अकाल जी हेलो सत श्री अकाल जी जी आनु थानू सांझा टीवी ते सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी मैं ओ मैं भी समय पहली भी बिनी दसा सी ना पाठ चलदा नाल हुं भी चली जांदा मैं अच्छा भी 24 दे टीवी ते देखदा टेलस ते देखदे हैगे आ तुसी हां टेलस ते हां जी कोई नहीं जी टेक्निकल टीम नू मैं दस दिता है टेक्निकल टीम एदे बारे देख दी है बहुत मेहरबानी जी थोड़ी कोई सवाल तो नहीं सी डॉक्टर साहब ली थोड़ा हां जी हां होर भी मैं पूछना सी डॉक्टर साहब जी मैनू ना कॉन्स्टिपेशन भी बहुत रहंदी है इहदी कोई मैनू इलाज दसो जी हुण तुसी प्रोग्राम सुनो जी तुहानू दस दे आ बहुत मेहरबानी ठीक है जी जी आनू जी तुहानू सांझा टीवी ते सत श्री अकाल जी हाँ जी डॉक्टर साहब जो कॉलर ने सानू पूछा सवाल उसका जवाब दियो जी कॉन्स्टिपेशन तो एक तो इन्होंने को पानी 4 लीटर करन और पानी गर्म ना पीन नॉर्मल पानी पीन दूसरा कॉन्स्टिपेशन का इलाज है खरबूजे आप बड़ी बारी दसे है छिलके दे कोलों करके खरबूजा खाओ ला के छिलके दे कोलों ते छिलके संभाल के रख लो सुखा के अद्धा चमचा ले लो दौड़ के जाना पेगा वाशरूम तीसरा कॉन्स्टिपेशन का इलाज है खसखस खाया करो अद्धा चमचा रात को खाना खा के केड़ी खसखस है भी दो तीन तरह दी ब्लैक खसखस दो कलर दी है बस एक तीसरी ओरिएंटल खसखस होंदी है वो होर है वो कमर्शियल लेवल ते यूज होंदी है अच्छा जी चौथा एदा कॉन्स्टिपेशन का इलाज है मेडिसिन एक है वे उहदा नाम है कास्कारा मदर टिंचर CASCARA मदर टिंचर कास्कारा और 20 drops वार्म वाटर च दिन च 2 वारी ले लिया करन एक बारी सुबह नाश्ता करके और एक बारी रात खाना खा के वार्म वाटर इन्ना के लिया अद्धा कप और 20 drops कास्कारा दे पाए ये कॉन्स्टिपेशन का दी बेस्ट इलाज है दो हो गए तीसरा कॉन्स्टिपेशन का इलाज है कि एक चमच इस बगोल एक गिलास पानी च पा के नॉर्मल पानी च जे तुहानू शुगर नहीं हैगी ते तुसी जस्ट शरबत बना लो कोई रूह अफजा टाइप उहदे च एक गिलास च एक चम्मच इस बगोल दा पा के हिला के उहनू फुलन तो पहले पहले उहनू पी लो शरबत नू जी चौथा कॉन्स्टिपेशन दा वी इलाज है साडे नाल कॉलर है जी तुसी इलाज एक मिनट होल्ड करके रखो चौथे ते ही रहो जी आनू जी तुहानू सांझे टीवी ते सत श्री अकाल जी थैंक यू जी सत श्री अकाल जी जी आनू जी थानू सांझा टीवी ते सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल पुत आपे विच पाठ चली जांदा फिर गल थवाडी नहीं कोई भी सुनदी है बिल्कुल जी बीजी टेक्निकल टीम नु असी क्या आ ते मैं जरूर कहूंगी टेक्निकल टीम साडी जरूर इस गल दे उत्ते गौर करे मेनू काफी सारे मैसेज आ रहे हैगे आ और फेसबुक ते भी मेनू सारे यही लिख रहे हैगे आ ते पर जरूर इस दे बारे देखिया जा रहा हैगा तो डॉक्टर साहब असी गल कर रहे सी जिहड़ी तुसी चौथी दवाई ते खड़े सीगे हाँ जी चौथी दवाई यदि है वे कि तुसी इसबगोल दसता सी आपां हाँ जी इसबगोल दसता सीगा इसबगोल तो बाद एक होर यदि दवाई है और वो दवाई है जॉगिंग एक्सरसाइज तुसी जिन्ना लोगों नू कॉन्स्टिपेशन होंदी है और डेफिनेटली बैन की ज़्यादा आदत है उन्होंने उन्होंने थोड़ा वॉक करनी चाहिए है तेज़ वॉक पसीने वाली जिन पसीना आए जड़ा बंदा जॉगिंग करता है या तेज़ वॉक करता है वो थोड़िया जड़िया इंटस्टाइनस है ना उन्होंने वो वर्क करा दी ने जो हेल्दिया ने तो थोड़ी अगर कोई उस जाम हुई चीज़ा ब्लॉक हुई ने तो खुल दया ने और कॉन्स्टिपेशन रिलीव होंगी है फिर यदि पंजवीं एक दवाई है हाइड्रास्टस HYDRASTIS हाइड्रास्टस मदर टिंचर
अगर थोड़ी इन सारिया चीज़ों ना नहीं खुल रही तो फिर ये भी ऐड कर लो नाल हाइड्रास्टस। फिर छेवीं एक दवाई है कैस्टर ऑयल, एक चम्मच कैस्टर ऑयल दुध च पा के पी लो, गर्म दुध च पा के पी लो या चाह च पा के। मैनू देख लो याद आ इन्नी बारी आप प्रोग्राम किया है कॉन्स्टिपेशन वाला, है फिर भी जो कॉन्स्टिपेशन का सवाल है यदा मतलब वो साढ़े प्रोग्राम नहीं। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल शायद कई बार कोई नवे जुड़ जाते परिवार नाल टीवी दे ते फिर कई बार उन्होंने पुराने प्रोग्राम देखे नहीं होंगे, सो आप फिर भी किन्नी बारी दसिया हूँ तो मैं भी याद रहा वे कैस्टर ऑयल नूं दुध गर्म दे विच पा के एक चमचा पी लो ते फिर जिन्हां दीआं वेन्स हार्ड हो जांदीआं ने उन्हां वास्ते एक चमच ओलिव ऑयल रात नूं खाने तो बाद उस तरह ही लै लिया करन, वेन्स हार्ड होने तो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती। इहदा एक बहुत वड्डा साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन रहन दा कॉलन का कैंसर हुंदा, इहदे तो बच जो। कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ डिजीजेस, कॉन्स्टिपेशन तो ही बाइपोलर लगता है, कॉन्स्टिपेशन तो ही जिहड़ी ब्यूटी की आप सुबह की गल करी जा रहे हैं वह खराब होंगी, कॉन्स्टिपेशन तो हार्ट अटैक होंगे ने, कॉन्स्टिपेशन तो लिवर डैमेज होंगे, कॉन्स्टिपेशन तो किडनी डैमेज होंगे, कॉन्स्टिपेशन तो नींद खराब होंगी, स्लीप एपनिया आता, कॉन्स्टिपेशन मदर ऑफ डिजीजेस है। अच्छा डॉक्टर साहब ये सवाल किसी का नहीं गा मेरा ही है कि डराते क्यों नहीं 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 मैं सोचती हाँ भी कितनी औखी पढ़ाई है डॉक्टरेट करना डॉक्टर बनना तो दवाइया किन्नी रटियां या कि वाहेगुरू वाहेगुरू। बलजिंदर पढ़ाई तो चल औखी हैगी, पढ़ाई तो दुनिया का सब तो सौखा काम पढ़ना पता तेन। हाँ जी मैं पता है सब तो आसान काम से जो स्टूडेंट होंगे ना साढ़े एक टीचर होंगे कहते होंगे कि तुम कि तकलीफ च मैं तुम्हें देख रहा, जबकि दुनिया का सब तो आसान काम जरा ना वह पढ़ना है, तो दुनिया का सब तो मुश्किल काम पता की है पढ़ाना पढ़ाना। किसी को पढ़ाना सब तो वड्डा काम भी है तो सब तो मुश्किल काम। तो लोग एवं कहते मैं तेन पढ़ने पा दूँ वो एवं कह देंगे अच्छा डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है मैं भूलना जावा, वो कहें कि जरा क्या कहें कि मैं कोई मेकअप नहीं लाँगी कुछ नहीं करती मैं सिर्फ अपना मूँह धो के तो मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल लाँगी हमेशा ही कोई मेकअप कोई फाउंडेशन कुछ भी नहीं लाँगी कैमिकल नहीं यूज करती, पर कहते मेरे चेहरे पर वाल बड़े हो गए मे बी कोकोनट ऑयल लाने के नाल, वो कहते मेरे चेहरे पर जिदा बीयर्ड आंगू दाढ़ी आंगू बाल मोटे आ गए तो कहते मैं लेजर करवावा जा मैं कोई होर ट्रीटमेंट लवां, पता नहीं उन्होंने की साइज है किन्नी क्वांटिटी है तो पिक्चर देख के या सामने देख के पता लग सकता, जेडे छोटे मोटे और लून टाइप बाल होंगे ने ना वो बहुत अच्छी दवाई है पल्सा टीला 205 ड्रॉप्स सुबह सुबह ले लो एक बारी, तो दूसरी वो दवाई है वे ओलियम जैकुलस, यह पहली बारी दवाई आई है ओलियम ओ एल ई यू एम जे ए क्यू, ये मदर टिंचर दे 15 ड्रॉप्स दिन च 3 बारी लैने प्लस पल्सा टीला 200 दे 5 ड्रॉप्स सुबह सुबह, ओलियम जैक दे 15 ड्रॉप्स दिन च 3 बारी, ये चेहरे के छोटे छोटे जो ब्रीक जे अनवॉन्टेड हेयर होंगे उन्होंने गायब कर दें। कोई घरेलू नुस्खा ये घरेलू नुस्खा बड़ा आसान है फटकड़ी, ओनू किवें यूज कर फटकड़ी तुसी हल्की जी ला के ना एवं मुँह धो के साबन नाल हल्की जो ना जगह पर फिर ये करके भी ये दवाइया लैके भी तुसी ये फटकड़ी यूज करो हल्का जहा फिर मुँह वॉश करो तो कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम ला लो जी बाल ना लिया चेहरे पर, एक कोकोनट ऑयल नाल बाल आ सकते हैं हॉर्मोनल चेंजिस नाल बाल आ सकते हैं, कल्ले बाल बाहरों नहीं आते अंदरों प्रॉब्लम्स होए लेडीज़ नूं अक्सर हो जाती प्रॉब्लम उहदे नाल भी बाल आ सकते हैं, कई जेंट्स के तुम देखे होना जिसम पूरे तो बाल है तो कई होंगे ही नहीं बाल बिल्कुल भी, कई छिदरे छिदरे बाल है दूर दूर है, कई बहुत घने बाल होंगे कई बचपन तो ही काले होंगे कई बचपन तो ही ब्लैक होंगे। तुहाडी पंजाबी कितनी सोहनी है घने घने बाल होंगे है सानू मैनू अक्सर लोग आके कहते तुहाडी पंजाबी बहुत सोहनी लगती, मैं शुक्रिया ही अदा कर सकता क्या बात है डॉक्टर साहब थैंक यू। सो सारे ब्यूटी दे तुसी टिप्स तो देते हैगे और मैनू लगता भैणां ने सारे फॉलो भी करने आ करनगे तो चंगे रहणगे करनगे तो चंगे रहणगे। सवाल तो मेरे को बहुत है पर समा कह रहा कि सानू हुण जाना पैणा ते इक प्यारी जी गल दस दो हाले ते गुरबाणी लगी हुई है विच अज देखो किन्ना सोहना अल्लाह का करम है कि तुहाडियां दवाइयां दा डबल असर होना नाल नाल गुरबाणी लगी है नाल नाल तुहाडियां दवाइयां दसियां जा रही हैं सो टू इन वन हो रहा है जी ते जान तो पहला कोई प्यारा जिहा शेयर कोई प्यारी जी गल जरूर दसो सानू। शेयर तो बड़े ने शेयर लोगों को पसंद नहीं आने क्या बात है प्यारी जी गल ही दस दिंदे जी जरूर। चार खूबियां इंसान नूं
इंसान बना देनियां, चार चार खूबियां, और लगता है कि कोई इंसान है सामने। नंबर एक, ठंडा दिमाग, इहदे ते गौर नाल मेरी गल सुनना। चार खूबियां इंसान नूं सही इंसान बनांदियां ने। आपां समझदे तां सारे ही हां कि असीं इंसान, कुछ मेरे वर्गे वी ने विच नलायक, लेकिन उहनां नूं वी इंसान बनन दी जरूरत है। ये मेरे च भी शायद ना होने खूबियां, कोशिश करो जिन्नी जल्दी ये चार खूबियां अपने च पा लो। नंबर एक, ठंडा दिमाग। 90% तो मैं कोशिश करता ठंडा रखने की, पर जब कोई इन्नी बारी एक ही गल पूछे ठंडा दिमाग गर्म हो जाता, गर्म हो जाता ठंडा दिमाग। नंबर दो, नरम जबान। केड़ी? नरम जबान। नरम जबान। ते तीजा, नरम दिल। जबान जड़ी है तोड़ी बड़ी ही फुल सुटने चाहिए, जिवें तोड़ी सुटदी है। मेरी जबान ते कौड़िया कौड़िया चीजा दसदी है, दवाइया दसदी है, जबान नूं फुल सुटने चाहिए। ते तीजी है नरम दिल। दिल नरम, दिल इन्ना कि तोड़ा नरम होना चाहिए है कि थोड़ी जी किसी नूं तकलीफ च देखे ते पसी जाए, इंज हो जाए, फड़िया जाए। जानवर कतल हो रहा है ते असर ही नहीं कर रहा, मीन तुसी सख्त दिल दे मालक हो, पत्थर दिल दे मालक हो, ते पत्थर दिल इंसान ठीक नहीं होंदे। ते चौथी ते आखरी चीज, तुहाडा खुला हथ। जिहदा जिन्ना खुला हथ है उहदे कोल अपने कोल 10 रुपए ने, ते किसे ने आके 10 ही मंग लिया उहदे कोल, ते उह 10 ही दे दिंदा। एडा खुला हथ है, इह नहीं कहिंदा कि मेरा की बनेगा। जिहने तेरे को भेजिया ना उस बंदे नूं, उहने तेरे कोल किसे होर नूं भेज देना जिहड़ा तेरा की बनेगा दा इलाज करेगा। तूं पहलां उहदा इलाज कर जिहड़ा तेरे कोल आया। ते इह खुला हथ होना बंदे नूं इंसानां च डिफरेंट कर दिंदा, फरिश्तियां वाली खूबी दे दिंदा, वलियां वाली खूबी दे दिंदा, रब दे नेड़े बंदियां वाली खूबी दे दिंदा। उहदे एक्चुअली उह खुला हथ दूसरिआं लई नहीं कर रहा हुंदा, उह अपने लई ही कर रहा हुंदा, उह रब नाल ट्रेड कर रहा हुंदा। उह 10 दे के ते 700-7000 लै रहा हुंदा, रब नूं देना पैंदा उहनूं मोड़ के। उह कहिंदा मैं तुहाडे पैसे रख के की करने आ, मैं तां तुहानूं ज़र्ब दे के उहनूं मल्टीप्लाई करके उहनूं इन्नियां नाल इन्ने गुणियां नाल मैं तुहानूं वापस मोड़दा, तुसीं फिर मैनूं वापस मोड़ दिओ, तो मैनूं फिर मोड़ने पैंदे तुहानूं। जिन्नी वारी मैनूं मोड़ी जाओगे उन्नी वारी मैनूं तुहानूं ज़र्बां दे दे के मल्टीप्लाई कर करके वापस देने पैंदे। ते जिहड़ा खुला हथ है उह दूसरे दा तुसीं वक्ती तौर ते समझ रहे हो कि मैं भला कर रहा, एक्चुअली उह तुसीं अपना बिजनेस वधा रहे हो, अपनी ट्रेड वधा रहे हो रब दे नाल। ते ये चार खूबियां पैदा कर लो, ठंडा दिमाग, नरम जबान, नरम दिल, खुला हाथ। क्या बात है, बाखूब। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद, थोड़ा समा दिता, ते अगली बार फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखियो, सत श्री अकाल, टेक केयर। बिल्कुल जी, चार नुक्ते जिहड़े दसे डॉक्टर साहब ने, ते बाले बाखूब आ। सो वाकई सानू जिंदगी दे विच एहो जिहा ही होना चाहीदा, जुबान दे विचों हमेशा ही सानू दूजियां दे लई चंगा ही बोलना चाहीदा, ते मिठे बोल बोलने चाहीदे आ। ते दिमाग ठंडा रखिया बंदे दे अपने काम भी बहुत आउंदा आ, क्योंकि गर्म दिमाग कई बारी नुकसान भी करा दिंदा आ। ते बाकी खुला हथ इन्हां ने कहा, नरम दिल कहा, ते खुला हथ बिल्कुल जी। कहिंदे दसवंध कढ़णा साडे गुरां ने पिरत पाई आ, सो दसवंध कढ़ो, किसी जरूरतमंद नूं, किसी लोड़मंद नूं दो, तां कि उहदे ढिड्डों निकलियां असीसां तुहाडे लई कम करन, ते दुगणा हो के उह दसवंध तुहाडे कोल मुड़ के आवे। सो जिंदगी बहुत खूबसूरत आ, इहदा एक एक पल माणो। वीकेंड आ रहा, वीकेंड दे उत्ते नगर कीर्तन आ जी, जिहड़ा न्यू वैस्ट मिनिस्टर गुरद्वारा साहिब सुख सागर साहब गुरद्वारा दे विच नगर कीर्तन आ, सवेरे 9 बजे शुरुआत होवेगी। ते सांझा टीवी ते गुर की बाणी ते तुसी इस दा लाइव टैलीकास्ट देख सकते हो। सो कल सुखी बाट मोटर्स ते लाइव ऑन एयर होवेगा, उत्थे साडी टीम नूं तुसी मिलोंगे। ते संडे मैं तुहानूं नगर कीर्तन च मिलांगी, तद तक तुसी आबाद रहो, खुश रहो, हसदे वसदे रहो। मेरे वालों देख रहे सारे ही परिवारां नूं बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल जी।